लिधोरा थाना अंतर्गत ग्राम मरगुआ खिरक सिद्ध बाबा के पास कल रात को करीब 8:30 बजे अपने खेत पर फसल की रखवाली कर रहे 28 साल के युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोज की तरह प्रकाश उर्फ सुकली कुशवा अपने घर से खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए गया था कि रात के समय करीब 8:30 बजे अज्ञात लोगों ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पिता कैलाश मथुरा कुशवा निवासी मरगुआ उम्र 53 साल ने पुलिस को बताया कि हमारा पुत्र घर से खेत पर गेहूं की फसल की रखवाली करने गया था, लेकिन जब करीब 8:30 बजे उसे फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इस दौरान मृतक के परिवार वाले खेत पर पहुंचे तो प्रकाश खेत में खून से लथपथ था एवं मोबाइल गायब था, जिसकी सूचना 100 डायल को दी गई। तत्काल मौके पर पहुंची एवं रात में ही जांच में जुट गई। सुबह FSL टीम एवं SDOP अभिषेक गौतम घटनास्थल पर पहुंच गए एवं जांच में जुट गए। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर परिजन वालों के सुपुर्द कर दिया। SDOP अभिषेक गौतम ने कहा कि घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा, जांच जारी है। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी, फिर TI साहब के द्वारा मुझे बताया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, पूरी टीम हमारी वहां पे पहुंची थी। कोहरा ज्यादा था, वहां पे जो डेड बॉडी हमें मिली है वो प्रकाश उर्फ सुकली, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है और ये मरगवा गांव का रहने वाला है, थाना लिधोरा अंतर्गत। और फिर उसके बाद में डॉग स्क्वाड, FSL टीम, सारे लोग पहुंचे हैं। उसकी विस्तृत बिंदुओं के आधार पर जांच की जा रही है और जो भी फैक्ट्स आएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या है ये हत्या है क्या है? हाँ, प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है और मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी कोई ज्ञात नहीं है कि किसने ये गलत इंटेंशन के साथ में गड़बड़ किया है, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, जैसे भी फैक्ट्स आएंगे आप सबको अवगत कराएंगे। सर, क्या जो हत्या हुई है वो क्या पार्टी किस पे हुई है, पार्टी के बीच में हुई है या किसी सुनियोजित तरीके से हुई है? अब ऐसा तो बहुत अभी क्लियर नहीं है, अभी उन्हीं बिंदुओं पे हम विस्तृत पूछ रहे हैं। जैसा क्लियर होगा, जैसा मैंने आपको बताया, अवगत कराएंगे और जो हमें जिस पे डाउट लग रहा है या जो लास्ट सीन है उनसे हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। जैसा हुआ घटना स्थल से अभी तो शार्प औजार हमें मिला हुआ है जिसको हमने जब्त भी किया है, और जैसा मैंने आपको बताया कि FSL टीम उन सब लोगों ने भी अपने अपने अभिमत दिए हैं, तो अभी और बिंदुओं पे जांच की जा रही है। बॉडी स्ट्रक्चर? सर, बॉडी स्ट्रक्चर से मतलब गर्दन पे, गर्दन पे शार्प औजार से कुछ गहरा चोट लगी हुई है, कटा हुआ है। एक ही घाव है और कई घाव हैं और सारी चीजें अभी जब पोस्टमार्टम होगा तो डॉक्टर से उसमें और विशेष रूप से लिखेंगे। सर, जो मरगवां में जो घटना हुई है सर, इसमें क्या सबूत होता है, मतलब यह हत्या है या आत्महत्या है क्या? अभी जो मरगवा थाने के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी तो वहाँ का भी घटनास्थल मुआयना किया गया है मेरे द्वारा, और अभी प्रथम दृष्टया गर्दन पे घाव आया है जिसके कारण मृतक की मौत हुई है और बाकी PM उपरांत यथास्थित और स्पष्ट हो जाएगी। सर, ऐसा कोई पार्टी में होकर कोई हत्या हुई ऐसी? नहीं, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे तथ्य जो भी निकलने पूछताछ जारी है। सर, कितने घाव है सर वैसे उस पर? एक घाव है गर्दन में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।